प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे उसके बनिस्पत भारत में लगभग 2-3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूँ। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा।